Guys, good evening, all of you. Am I audible to you all? Can you give me a reaction, fatafat? Am I audible to you all? Give me a reaction, please. Great, ठीक है. So guys, since I've told you all, there are two ways we have basically been focusing on learning, all as always. That is two-way communication. We know 31st आजू बाजू में है. There are people who have taken a break of the foundation, ठीक है. But I wanted to start early a bit. It gives you a time to get settled in inter CA. 3-4 दिन में हम settle हो जाते हैं and back to momentum after your 31st gets over. ठीक है. I hope we can celebrate 31st also. So apart from face to face, we'll always have recordings available and we'll always have live available towards it also. I request everyone, since I've told you all, जितना हो सके वो लोग अपने videos on रखिए. Ensure it they are keeping it on. और जिससे वीडियो ऑन नहीं रह पा रहा है वो लोग ट्राई आउट कर सकते हैं टू एटलीस्ट कीप देयर ऑडियोज ऑन. ऑडियोज ऑन मतलब जब भी मैं कुछ पूछूं आप इंटरेक्ट करो और आप उसके आंसर रेगुलरली देते रहना. ठीक है. टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर. ठीक है. आई एम एक्साइटेड मोर देन यू ऑल टू डिलीवर अ कॉन्टेंट विच विल ओपन अप योर सी एंटर जर्नी टू अ ग्रेटेस्ट लेवल एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट. यू नो वाई सर? जितना जल्दी वी विल बी हैविंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट वी विल बी इजीली गेटिंग अकस्टम टू सिटिंग फॉर 6-7 आवर्स अ डे इन द फेस टू फेस और द लाइव सेशन. उससे जरूरी क्या रहेगा? आपका इंटरेक्शन जरूरी रहेगा. तो वंस वी हैव इंटरेक्शंस गोइंग ऑन दिस जर्नी विल बी सिंपलर. अ जर्नी विच विल बी वेरी सिंपलर. आई बिलीव व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा फॉर योर सीए इंटर सक्सेस. So I want to clear CA Inter first attempt. I want to ensure I clear CA Inter first. What is my success mantra to clear CA Inter first attempt? I'll tell you the mantra right from day one. And the mantra for the same is, number one, attending lectures regularly. 99% attendance. 99% attendance. Kabhi bhi lectures bunk nahi marna, number one. Number two, regularly revisions karna as per what I direct. नंबर थ्री, टाइमली टेस्ट देना और टेस्ट पे आपकी जो एरर्स हो उसको इम्प्रोवाइज करते रहना. द थ्री कोड मंत्रा टू बी सक्सेसफुल एट योर इंटर सी लेवल. एट योर इंटर सी लेवल, नंबर वन, डोंट मिस द लेक्चर्स. घर पे शादी है, मैं बीमार हूं, बुखार है, ये है वो है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. ट्राई टू कीप योरसेल्फ फिट. ईट फूड इन अ वे कि यू आर ऑलवेज फिट. नंबर टू, एंश्योर दैट यू गेट अ रेगुलर टाइम टू रिवाइज एवरी डे. मतलब मैं सर संडे कर लूंगी, सर शुरू किया है, जस्ट स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ भी मन में नहीं होना चाहिए. यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग द मोमेंट टॉपिक स्टार्ट्स. एवरी डे 3 घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिले रेगुलरली रिविजन करो. सेकेंड इंपॉर्टेंट मंत्र और थर्ड इंपॉर्टेंट मंत्र, टेस्ट देना नहीं, टेस्ट में से सीखना. टेस्ट देने के बाद गलती कहाँ हो रही है भूषण, उसको समझना. टॉकिंग टू द टीचर, you'll have solutions, you'll have teacher to whom you can ask कि सर मुझे यहाँ पे गलती करी थी, क्यों गलती करी, क्या मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ. ये तीन चीजें रेगुलरली डेली 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 करना एंड दैट इज हाउ यू गेट ग्रेट रिजल्ट. बस ये तीन ही चीजें करते रहना है. आई अज्यूम दैट एवरी स्टूडेंट हियर हैज अ राइट एंड शुड हैव अ पावर. डरना नहीं है. कभी भी लगे कि आपको कुछ भी, एनी टीम मेंबर ऑफ अवर क्लास, इफ यू फील समडे और द अदर कि सर आज थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, कैन यू रिपीट इट वन मोर टाइम. सो व्हाई दिस, व्हाई नॉट दैट. अगर आप सामने बैठ के कर पाओगे ना बच्चों, इफ यू कैन डेयर टू आस्क द डाउट लाइव, इससे आपका भला होगा. द स्मॉल बैच का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके इंटरेक्शन को, आपके थॉट्स को बाहर निकालो. आपके आपकी पर, आपके अंदर जो होगा वो मैं बाद में पूछूं, मैं फोन करके पूछूं, क्लास में पूछ ले, जिससे तू अटकेगा नहीं,
तेरा माइंड कहीं रुकेगा नहीं, एंड मोमेंट एक दो बार पूछ लोगे ना सिद्धि, उसके बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। एंड डोंट गेट अफ्रेड मेरा स्टूडेंट क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, इट इट डजंट मैटर टू यू। आप इंटर सीए पास होने आए हो, आपका जॉब है इंटर सीए पास होना, बाकी सब मुझे फर्क पड़ता, कोई हंसे कोई कोई सुनाए, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा काम है मेरा डाउट सॉल्व करवाना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर आर यू गोइंग टू लर्न न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स? एक्स्ट्रा क्लैरिटी, वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट यू विल हैव अ न्यू कोर्स फॉर नवम्बर 2023। अजम्पशन क्यों? क्योंकि कोर्स अनाउंस हुआ नहीं है। सर हाउ डू यू मैच अप टू इट? वी विल बी ट्राइंग टू टेक द टॉपिक्स विच आर गोइंग टू बी देयर इन ओल्ड कोर्स ऑल्सो एंड न्यू कोर्स ऑल्सो। तो अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो ऐसे होंगे प्रथमेश, जो ओल्ड हो या न्यू, वी आर गोइंग टू हैव इट ऑल डे अलॉन्ग, वी आर गोइंग टू हैव इट ऑल डे अलॉन्ग। तो मेरे हिसाब से बाय 15th of January, बाय 15th of January के पहले आपका ओल्ड न्यू कोर्स अनाउंस हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वील हैव मोर क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ वॉट इज अ पार्ट ऑफ न्यू कोर्स। आई बी हैप्पी टू शेयर यू विद दिस, आई अटेंडेड वन सेमिनार ऑफ ICAI, एंड इन दैट सेमिनार ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ ICAI has going to have a very good growth in terms of passing percentage coming up sooner. मतलब as per the ICAI's norms, अभी के जो new courses के अंदर passing ratio है, जो अभी 15 है सिद्धि, this will jump to 20 to 25%। मतलब minimum minimum, और जब 15 था ना तब we had 50% results, 50% passing, 50, तो पूछा अभी 20-25 होगा ना, तो we will have a passing of 70 to 75% passing towards it. ICAI is going to be very positive to get more people in the market because there's a lot of demand, and that demand is what you are basically throwing up from the students itself. Theek hai, by this stuff we start our session. Bhagwan ka naam le lo ki aapki akal achhi rahe, aapka focus bahut acha rahe, hum wahi kare jo zaruri hai, hum wo na kare jo zaruri nahi hai. Our energy is being used for the best purpose for your success. And with this thought and with this energy, we start our first lecture of IPCC today. And the subject which we are going to start is without a question, my subject, without a doubt, that has to be that. That has to be law, right? So law has to be your first love. Mera pehla pehla pyar. That is law. Main aapko finance bhi sikhaunga. To main very soon in this upcoming 4 sessions, main finance bhi shuru karunga. Finance and law are what we are going to target at the first 2 subjects, finance and law. So apna pehla part shuru hoga kisse? Law se. Everyone keep a notebook with you all. Keep a notebook with you all. I'm not going to discuss the syllabus as normally I do. We write a syllabus first. But since the new course is not out, Siddhi, since the new course is not out completely, we cannot write the syllabus as a whole. तो आप लोगों का फर्स्ट पेज नोटबुक का जो होगा, एवरीवन हैविंग योर फर्स्ट पेज इन द नोटबुक, हैज टू बी अ ब्लैंक पेज एज ऑफ नाउ, हैज टू बी अ ब्लैंक पेज, क्योंकि देयर माइट बी सम चेंजेस व्हिच दे विल मेक इन द सिलेबस, बेस्ड ऑन दैट अवर न्यू कोर्स सिलेबस वी विल राइट इट डाउन वंस इट इज आउट। आप सेकेंड पेज का फर्स्ट हेडर दे दोगे, दैट इज टू बी डैश द कंपनीज एक्ट 2013। सर ये तो हमने पढ़ लिया। अरे तूने पढ़ा नहीं है, तूने ABCD पढ़ा है, ABCD आगे सब अभी बाकी है। यू विल हैव कंपनीज एक्ट फॉर CA इंटर एंड यू विल हैव कंपनीज एक्ट फॉर CA फाइनल आल्सो। इवन प्लीज कंफर्म वन मोर टाइम, इज माय एम आई ऑडिबल वेरी वेल, कैन यू सी मी वेरी वेल भूषण? Yes, sir. Okay. Can you see me or not?
यू। Can you see me? Hello. Can you see me, guys? Yes. Yes. Yes, sir. Take care. Okay. MB, now listen carefully. So we are learning Companies Act 2013. Please understand, and whenever I'll share the screen, Arpita, you will start writing along with me. You will start writing along with me. In inter-CA, I have changed one more way of studying, and you will be amazed to understand this way of studying. You will be writing off entire summary to CA Inter Law along with explanation in the class itself. A pura session, complete session, a flowchart form mein class mein likhoge. So the amount of time invested in making you read, that is the amount of time I'll be investing in making you write. And you know what will happen? This will give me more chance. Okay, normally, aap log question answers, past papers, RTPs and mock, aap log end mein karte ho, Arpita. End mein matlab, jab aapka content padh ke do baar ho jaye, jab aapka revision ho jaye. Because I'll be doing it past summary questions in the class itself, you will get a chance ke after doing that entire summary content in the class by writing, aap directly jump karoge iske upar, directly jumping to the compilers, the past paper and the question answers as reconfirmation of theory. Matlab Siddhi, you will not require to read the theory. You will directly read with me the theory along with the notes in the class itself. So that aapki summary class mein ban gayi, or to confirm how are they asking in the exams, you will directly jump to what? Last 5 years question answers of mock, RTP and past papers. Isse kya hoga pata hai? Normally ek student exam ke ek mahine pehle past papers open karega. Koi bhi student, kahin pe bhi padhta ho. Phir pehle kya padega? Main notes. Phir kya padega? Summary banega. Aur phir past papers last ek mahine mein karega. And that is the error what we normally make. जैसे हमने पेपर्स कम किए थे या ऊपर ऊपर से किए थे पूछ रहे डीएन. यहाँ पे आप डे वन से ही क्या शुरू कर दोगे? कंटेंट खत्म होने पे आपकी पढ़ाई कहाँ से होगी बेटा? क्वेश्चन आंसर्स कॉन्सेप्टली आप यहाँ पे कवर कर लोगे. खाली ड्राफ्टिंग स्किल्स कहाँ डायरेक्टली कहाँ से सीखोगे? पेपर्स से. इससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू सी पास्ट पेपर्स कंपाइलर्स एटलीस्ट 5 to 8 टाइम्स बिफोर एग्जाम्स, एंड दैट विल अलाउ यू to have an edge over other students who will be looking it to the papers only during exams or only 1 month before exams. And trust me, this will be a masterstroke. This will be a masterstroke for exams. A masterstroke for exams. Because amount of time invested in papers is going to give you more marks at any day. Okay. So, abhi, aap logon ke saath सबसे पहली चीज जो मुझे सिखानी है, सर व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? राइट द हेडिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. Now, Kashish, others. So, जब हम इतना बड़ा एक्ट जो इंटर सीए में भी है और सीए फाइनल में भी है, इतना बड़ा लॉ सिद्धि जब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर 470 सेक्शन है, इसमें आपने फाउंडेशन लेवल पे हार्डली 10 सेक्शन किए. कितने सेक्शन किए? हार्डली 10 सेक्शन किए हैं. तो सर फाइनल सी और इंटर में इतने सारे सेक्शन है, डेफिनेटली है. उस पार्ट के अंदर उतने बड़े कंटेंट को रेफर करने से पहले, सर डोंट यू थिंक वी शुड स्टार्ट विथ सम कॉमन टर्म्स
जो आपको हर बार पढ़ने के लिए काम में आएंगे, मतलब वी आर यूजिंग कॉमन टर्म्स सिद्धि भूषण, जो कॉमन टर्म्स जब तक हमने पढ़े नहीं ना, हम लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, हम लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाएंगे, हम लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो आज के सेशन में वी आर लर्निंग द कॉमन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनीज एक्ट विच विल रिक्वायर टू बी अंडरस्टूड बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग द एंटायर एक्ट। क्योंकि हर सेक्शन में, हर कंटेंट में, हर चैप्टर में वो कहीं ना कहीं वो वर्ड आ जाएगा भूषण बीच में, और जब वो वर्ड बीच जाएगा सर, आप यू विल आस्क मी सर ये वर्ड का मतलब क्या है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट आई हैव टू टेक टू दैट वर्ड, और फिर मैं वो वर्ड समझा उससे बेटर क्या है, पहले वो सब वर्ड्स को आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं। अभी क्लियर व्हाट आई एम डिस्कसिंग? तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ इतना, कॉमन कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करना, कॉमन कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करना। एवरीवन प्लीज रिएक्ट टू स्टार्टअप द सेम। आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी बच्चों, एवरीवन, यस यू कैन सी द स्क्रीन राइट। अब पहला कॉन्सेप्ट, सुनो ध्यान से, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। एवरी वन हियर हैव यू हर्ड दिस वर्ड्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन एवर? सर कभी कभी शायद सुना हो, लेट्स सी क्या होता है। अभी लिखना मत जब तक मैं ना बोलू, जब तक मैं ना बोलू लिखना मत, और बिना यूज पेंसिल्स ये तो लिखना ही मत, ठीक है? ये रफ है मेरा, रफ ब्लू पेन, डार्क पेंसिल को वो लिखना है। अब देख बेटा, कंपनीज में क्या होता है, क्या होता है, मीटिंग, मीटिंग किस चीज का होता है, तो कोई किसका होता है, कोई बिजनेस एजेंडा का मीटिंग होता है, डू यू एग्री? और वो जो मीटिंग होता है, उस मीटिंग को हमें अप्रूवल चाहिए, क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि वो एजेंडा पास माना जाएगा या नहीं। तो हाउ डू यू गेट एन अप्रूवल, हाउ डू यू गेट एन अप्रूवल? तो इट सेज दैट, ध्यान से सुनना, अगर 100 लोग मीटिंग में आए, कितने लोग मीटिंग में आए हैं, 100 लोग मीटिंग में आए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग वोट कर रहे हैं आपके रेजोल्यूशन के ऊपर। सर जैसे के हम इस हमारी कंपनी को बाय बैक करना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमें अप्रूवल ऑफ मेंबर्स चाहिए। तो अगर बेटा 100 में से 51 लोग यस बोले और 49 लोग नो बोले, तो इसे कहते हैं क्या पास हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया है, क्योंकि किसने हाँ बोल दिया है, किसने हाँ बोल दिया है, मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया है, मेजॉरिटी ने हाँ बोल दिया है। इसका मतलब ये होता है, when vote casted in favor is more than vote casted against it, when vote casted in favor कितना था, 51, is more than vote casted against it, अर्पिता उसे क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा कौन सा रेजोल्यूशन पास हो गया, ordinary रेजोल्यूशन पास हो गया, क्या पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब ये सर कि अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का अप्रूवल मिल जाता है, तो हम कहेंगे कंपनी के मीटिंग में क्या पास हो गया, ओआर, क्या पास हो गया, ओआर, क्या पास हो गया, ओआर, ओआर मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। अभी डिस्कसिंग दिस क्लियरली,
भाई डाउट, मेरा डाउट सुनो, मेरा डाउट सुनो सर। एक कंपनी है, सुनो ध्यान से, भूषण तेरे लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तेरे लिए एक कंपनी है, उसके अंदर कितने मेंबर्स है भूषण, कितने मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 1,000 मेंबर्स है। उसमें से 500 मेंबर्स मीटिंग में आते, उसमें से कितने मेंबर्स मीटिंग में आते, 800। मतलब भूषण बाकी 200 आए के मीटिंग में नहीं आए, सर घर पे सो रहे थे, आए ही नहीं मीटिंग में। ये 800 जो आए ना उसमें, ये 800 जो आए ना, एक सेकेंड ना, आई जस्ट मिस टू सेंड लिंक टू स्टूडेंट जॉइन जस्ट नाउ। और जो 800 जो आए ना भूषण, उसमें से वो 300 लोग देवर लाइक भूषण, भूषण जैसे, तो मतलब सिद्धि, वो लोग मीटिंग में आए पर मीटिंग हॉल में नहीं पहुंचे, वो बाहर खाना चल रहा था ना, उधर खाना खाने बैठ गए। मतलब दे वेंट टू दी डायरेक्टली टू द फूड काउंटर, और फूड काउंटर इतना भूषण अच्छा था, रिलायंस का मीटिंग था, रिलायंस का एजीएम था, मस्त खाना मिल रहा था। भूषण किधर है, भूषण है मीटिंग में, नहीं सर भूषण है नाश्ते में। अब कितने बचे, अब ये 500 जन बच गए, 500, सिद्धि सांबर, ये 500 लोग मीटिंग हॉल में गए, कितने कौन से हॉल में गए, मीटिंग हॉल में गए। लेकिन उसमें से अर्पिता और सिद्धि जैसे लोग क्या करते हैं पता है, अंदर भी चीटर से चलो, चीटर 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 बातें चालू हो जाती है, वोट करते नहीं है, क्या कर रहे हैं वहां पे, चीटर चीटर, ये ऐसा है ये वैसा है, ये ऐसा है ये वैसा है। अब कितने बच गए, सिर्फ 400 बच गए। वो 400 ने वोट किया सिद्धि, वो 400 ने वोट किया, उसमें से 220 ने यस बोला और 180 ने नो बोला। वो 400 में से 220 ने यस बोला, 180 ने बोला। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मेजोरिटी मेजोरिटी को काउंट करने की बात कर रहे हैं, जब हम मेजोरिटी को काउंट करने की बात करते हैं, तो 1,000 मेंबर्स जो कंपनी में है उसकी मेजोरिटी चाहिए, या फिर जितने मीटिंग में आए 800 उसकी मेजोरिटी चाहिए, या फिर जो मीटिंग हॉल में पहुंचे उसकी मेजोरिटी चाहिए, या फिर जिन्होंने वोट किया उसकी मेजोरिटी चाहिए। हेलो, 1,000 का मेजोरिटी 501 होता है, 800 का 401 होता है, 500 का 251 होता है, और 400 का 201 होता है, कौन सा मेजोरिटी चाहिए बोलो, कौन सा, एवरीवन प्लीज रिप्लाई टू चैट बॉक्स या फिर ऑडियो से, कौन सा मेजोरिटी चाहिए, 100 का, 800 का, 400 का या 500 का। आई गॉट वन आंसर टिल नाउ, बोलो सर, जितने लोगों ने वोट किया, जितने लोगों ने वोट किया उनका, वेरी ट्रू, क्योंकि हमने क्या लिखा है पता है, हमने लिखा था वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर, मतलब जो वोट हुए ना बेटा उसी को काउंट करना है, जो वोट हुए नहीं उसको काउंट करना, 1,000 गिनना नहीं है, भूषण लोगों को, भूषण लोगों को गिनना नहीं है, खाना खाने आते सीधी से लोगों को गिनना नहीं है, बातें करने आते, जो घर पे सोते उनको तो गिनना है ही नहीं, जो वोट करे उनको ही गिनना है, उसमें जो मेजोरिटी होगी उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहा जाएगा। आर वी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, प्लीज कंफर्म, एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन, शाबाश, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि ये समय नोट से बेटा, ये आपके नोट्स में होने वाला है, मेन बुक में भी होने वाला है, लेकिन अभी मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग, के स्टार्टिंग में समझ में आ जाए। इज आंसर यस, लिखूंगा वोट कास्टेड इन फेवर इज मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट वी सी आई एफ, मोर देन वी सी एफ, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहेंगे, इसे हम
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहेंगे। आप लोग इस दिस अ समरी टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सेकेंड फेज भूषण क्या होने वाला है? सर वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड व्हाट, विच वर्ड भूषण क्या समझना है हमें? स्पेशल रिजोल्यूशन क्या समझना है हमें? स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अमीना कैन यू हियर मी? अमीना आई थिंक आई एम नॉट, अमीना बी लाउडर। यस टेल मी व्हाट वुड बी स्पेशल रिजोल्यूशन। हमने ऑरिजिनल तो समझ में आ गया, वी नो व्हाट इज ऑरिजिनल रिजोल्यूशन। व्हाट विल बी स्पेशल रिजोल्यूशन? कैन समवन हेल्प मी हियर? व्हाट विल बी स्पेशल रिजोल्यूशन? सर 75% ऑफ द वोट्स। 75% ऑफ द वोट्स, वन ऑफ द वे टू लर्न दिस इज 75। आपके ऑर्डिनरी में कितने वोट्स आए सिटी पता है? मोर देन 50। अब धवल इज सेइंग सर मोर देन or equal to 75%, it will called as which resolution? Special resolution. Ab Bhushan law kya bolta hai sunna dhyan se. See the example here. See the example here. How do you understand special resolution? Suno. Special resolution. देखो इफ 100 मेंबर्स आर वोटिंग, हाउ मेनी मेंबर्स आर वोटिंग? 100 मेंबर्स आर वोटिंग सिद्धि, एंड 25 मेंबर्स हैव वोटेड अगेंस्ट एजेंडा। मतलब इन्होंने कहा हमें ये मैटर डिस्कस, हमें ये रिजेक्ट करना है प्रपोजल, हमें प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर। कितने लोगों ने मना किया? 25। अब ये कहता है कि जितने लोगों ने रिजेक्ट किया हो, जितने लोगों ने रिजेक्ट किया हो उससे 3 गुना लोगों ने अगर क्या किया हो एक्सेप्ट किया हो तो उसे क्या कहा जाएगा भूषण? तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहा जाएगा। मतलब वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 times हायर, शुड बी 3 times हायर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट इट। जितने लोगों ने मना किया उससे 3 गुना लोगों ने हा कहा होगा तो हम क्या मानेंगे, क्या पास हो गया? हम मानेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, हम मानेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या आपको वोट कास्टेड इन फेवर और वोट कास्टेड अगेंस्ट इट में सिद्धि? हमें यहाँ पे ये देखना है कितने अगेंस्ट में गए, क्या देखना है हमें यहाँ पे कितने अगेंस्ट गए हैं, और अर्पिता जितने अगेंस्ट गए हो ना इंटू 3 करना है, क्या करना है मल्टीप्लाइड बाई 3, उतने कहाँ होने चाहिए? The vote casted in favor should be 3 times higher than vote casted against it. इसी को कहा जाता है कौन सा resolution? Special resolution. इसी को कहा जाता है special resolution. अब imagine करो मैंने आपको ये ना पढ़ाया हूं और topic पढ़ते पढ़ते क्या आ जाए, company should pass special resolution, company must pass ordinary resolution. आप पूछोगे सर company pass क्या करे, समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैंडराइटिंग बहुत बुरे तो नहीं है पर आपको समझ में आ जाएंगे, अच्छे हैंडराइटिंग से नहीं आपको मैं समझ में आ जाऊंगा, जब आपको मैं समझ में आऊंगा तो आपको मेरे हैंडराइटिंग समझ में आ जाएंगे। वोट कास्ट इन फेवर इज 3 times मोर then vote casted
अगेंस्ट है। इसे कहा जाता है विच रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। एवरीवन हैव अ राइट नाउ टू आस्क मी एनी डाउट रिगार्डिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, एंड यू कैन आस्क मी अप एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस। टेल मी एनीवन, एनीवन anyone having a doubt, please react if no doubts, please react if no doubts, come on, sir main puchu bhusha tune kya kiya bhusha ulta kyu kiya, no doubts isliye bhusha wo bhai kalakar hai kuch mujhe confuse karta hai मैं उल्टा दिखा के आपको दिखा ना कलाकार ऐसे लोग होने चाहिए तब मेरे को एंटरटेनमेंट मिलेगा। चलिए भाई तूने खाना खा लिया हो तो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाए भूषण। अच्छी में उसको ही वांटेड टू गो टू साइप्रस ओनली बिकॉज़ ही न्यू खाना वहीं पे उसका, लेकिन तुम लोग किसी को साइप्रस आना नहीं था उसका पार्टी बिगड़ा। सुनो ध्यान से, माय क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ यू इज हाउ डू यू अंडरस्टैंड you have to pass ordinary resolution or you have to pass special resolution? How do you understand you have to pass ordinary resolution or a special resolution? How do you know that? That's the question. Meaning samajh mein aa gaya hame, but kaun sa pass karna hai, ordinary ya special, wo samajh mein kaise aa raha hai? I am asking a question to everyone here. Naval, Arpita, Pinkel, Prathamesh, Pinkel, keep your video on. Prachi, Swayam. Sir, it depends upon the circumstances. No. Sujal, Janvi, Risti, come on. Come on. How do you understand when sa resolution cup come mein aayega? Ordinary cup, special cup. Nature of resolution. When, how do you know? Now listen. I want people to message me or audio on करके बताओ। मीट नहीं है आज उसका पार्टनर धीर नहीं है, तो धीर के एग्जाम बने। सुजल, अमीना, कम ऑन, एनीवन, नो वन, कम ऑन यार, आई एक्सपेक्टेड समवन टू लिसन हियर। एवरी सेक्शन what you are going to refer in Companies Act will convey you that to pass that resolution which should be required, ordinary chalega ke special chalega, matlab aap jo pad rahe honge na beta, ke mano aap buyback pad rahe ho, aap equity shares issue pad rahe ho, aap issue shares premium pad rahe ho, aap sweat equity shares pad rahe ho, aap kuch bhi pad rahe ho section ke andar, तो जो सेक्शन पढ़ रहे हो ना वो सेक्शन खुद बताएगा कि बायबैक के लिए ऑर्डिनरी लगेगा या स्पेशल लगेगा, डिविडेंड देने के लिए ऑर्डिनरी लगेगा या स्पेशल लगेगा, बोनस इशू करने के लिए ऑर्डिनरी लगेगा या स्पेशल लगेगा। तो हर कंटेंट जो हम पढ़ेंगे वो कंटेंट खुद बताएगा कि मेरे लिए ऑर्डिनरी के स्पेशल, ऑर्डिनरी के स्पेशल। हमें लॉजिक लगाना नहीं है, दिस इज नॉट लॉजिक, दिस इज वॉट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे लॉ ने खुद बना दिया है। Whenever you require ordinary and when you require special, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें समझ आता है उसका मतलब क्या होता है। Are you clear with this? Everyone. अब सुनो, next up देखिए, next up, next सुनो सर, next concept में हम सीखते हैं वर्ड बिजनेस, बिजनेस सर, बिजनेस इन कंपनीज एक्ट, यस। तो सिद्धि, हम जो रेजोल्यूशन पास कर रहे थे ना ऑर्डिनरी या स्पेशल, वो किस चीज का था सर? वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का था। मतलब आपको जो, जिसको आप एजेंडा कहते हो, जिसको आप एजेंडा कहते हो, उसे लॉ क्या कहता है? बिजनेस। क्या कहता है उसे?
जिसको आप एजेंडा कहते थे, मीटिंग का एजेंडा होता है ना, तो यहाँ पे मीटिंग का क्या होता है, आपको कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, आपको कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, किसके अंदर, मीटिंग में, किसके अंदर, मीटिंग में। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, तुमसे सुनना, बिजनेस कितने टाइप के बताए गए हैं सिद्धि, दो टाइप के बिजनेस, इसको एक को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, ओबी, और एक को कहते हैं स्पेशल बिजनेस, को हम क्या बोलेंगे, एसबी। सर टोटल बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन अ कंपनी, whether it is regarding mergers, acquisitions, buyback, equity issues, sweat equity shares, acquisitions, bonus, rights, any transaction, dividend dena, kuch bhi, wo sabko divide kiya gaya into how many elements, two elements, ek ka naam ordinary business, dusre ka naam special. To jab bhi hum kuch padhte honge na ट्रांजेक्शन को, तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, दिस ट्रांजेक्शन इज स्पेशल बिजनेस, दिस ट्रांजेक्शन इज ऑर्डिनरी बिजनेस। एंड यू विल आस्क मी, सर व्हाई आर दे सेइंग ऑर्डिनरी, व्हाई आर दे सेइंग स्पेशल। मैंने सोचा पहले मैं आपको यही पढ़ा दूं कि ऑर्डिनरी का मीनिंग होता क्या है और स्पेशल का मीनिंग होता क्या है, सो दैट व्हेन यू लर्न द चैप्टर आपको बीच में रुकना पड़ेगा नहीं। दिस इज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आई ट्राई tell people, it's not, I say normally, okay, we are doing a lot of hard work in terms of content creation. मैं आपको guarantee देता हूँ, any law introduction lecture, if you see, you will never start with these topics. Lot of thoughts have been going inside to start a content, which is not a chapter. मैंने ना पूरे act में सिद्धि जो syllabus है ना आपने, उसमें से common pointers को अलग कर दिया पूरा, और वो सबका एक छोटा टॉपिक बना दिया इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट। और ये पढ़ने से क्या होगा, आपकी लैंग्वेज थोड़ी स्मूथ हो जाएगी जब आप चैप्टर के अंदर जाओगे। वी हैव नॉट गॉन इनटू द चैप्टर, वी आर इनटू द चैप्टर, नॉट पॉसिबल सर, वी नीड सम टाइम टू गेट अकस्टम टू द नॉर्मल टर्म्स, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ रहे हम लोग। सुनो यहाँ पर अभी कहता है, सुनो ध्यान से सर, सुनो ध्यान से, अगर कंपनी की एजीएम हो रही है, क्या हो रही है कंपनी की, एनुअल जनरल मीटिंग। सर वापस बोलो, एनुअल जनरल मीटिंग। सर ये क्या होता है, हम इसके बाद के पॉइंट में यही समझेंगे एजीएम क्या होता है, फिलहाल के लिए आप एजीएम सुनो कि एजीएम सुना है वर्ड। अगर सिद्धि एजीएम के अंदर, अगर एजीएम के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग डिविडेंड, नंबर दो अप्रूविंग अकाउंट्स, नंबर थ्री अपॉइंटमेंट एंड removal of director, number four appointment and removal of auditor, agar agm ke andar ye char business discuss ho rahe hain, so kaun se char, agm ke andar dividend declare karna, accounts ko approve karna, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर या डायरेक्टर। सर ये तो हर साल होता है, सर ये तो कॉमन है, हर एजी में होने ही वाला है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है,
ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है अर्पिता, ऑर्डिनरी बिजनेस। क्यों सर? ये हर साल होने ही वाला है। तो हमने सिर्फ यही देखा है, सोसाइटी की एजीएम होती है ना तो हमको पूछने को आते हैं, एजीएम है सोसाइटी का, आप लोग आने हो तो आप पूछते हो नाश्ता मिलेगा खाना मिलेगा तो हम आते हैं ना। भूषण यहाँ पे नाश्ते के अलावा क्या मिलेगा? डिविडेंड, अकाउंट्स को अप्रूव करना, नए ऑडिटर्स को अपॉइंट करना और डायरेक्टर्स को नए या फिर धुने को रीअपॉइंट करना। अगर ये चार रमेश कहाँ पे हुए? कहाँ पे हुए? एजीएम में हुए, तो ही वो क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, तो ही वो क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है। और अगर स्पेशल बिजनेस क्या है? सुनो ध्यान से, ऑल ट्रांजेक्शंस इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोला? ऑल ट्रांजेक्शन इन विच मीटिंग? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आर स्पेशल बिजनेस और एनी ट्रांजेक्शन अदर देन फोर डिस्कस इन एजीएम आर आर स्पेशल बिजनेस। एवरीवन, मैंने एजीएम में ये चार ट्रांजेक्शन किए, मैंने एजीएम में चार ट्रांजेक्शन किए, ये चार ऑर्डिनरी है, इसके अलावा मैंने एजीएम में कुछ भी किया वो सब क्या है? इस चार के अलावा एजीएम में कुछ भी किया वो सब क्या है? वो सब क्या है? स्पेशल। और अगर अर्पिता आपकी मीटिंग कौन सी है? अगर आपकी मीटिंग एजीएम में बैठा तो उसमें हर ट्रांजेक्शन क्या है? स्पेशल। हर ट्रांजेक्शन क्या है? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको मैं इसको ही एंगल से पढ़ाऊं, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपकी एजीएम और ये आपकी एजीएम। एजीएम में चार ट्रांजेक्शन जो हमने डिस्कस किए वो सब क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस। और उसके अलावा ट्रांजेक्शन कुछ भी होगा वो सब क्या माने जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। और जो मीटिंग कौन सी है? ईजीएम, उसमें क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज डैश इज स्पेशल बिजनेस। ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, एक एजीएम पॉइंट ऑफ जनरल मीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो तो जो ट्रांजेक्शन आपके एनुअल जनरल मीटिंग में हो रहा है कौन सा है? 1, 2, 3, 4। 1 for डिविडेंड, 2 for अप्रूविंग अकाउंट्स, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। ये चार ट्रांजेक्शन कहाँ पे हुए? एजीएम में। तो क्या बेटा? ऑर्डिनरी बिजनेस। उसके अलावा कुछ भी हो वो सब क्या? स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या? सही, ये चार ट्रांजेक्शन एजीएम में होंगे तो ऑर्डिनरी, उसके अलावा एजीएम में कुछ भी होगा वो सब स्पेशल, और अगर एजीएम है ही नहीं एजीएम है तो हर बार स्पेशल। हेलो, प्लीज कंफर्म, आर वी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एवरीवन? उजल, प्रथम, कृष्णा, अमीना, गेटिंग दिस? स्वयं पाची, विंकल, कीप योर वीडियोस ऑन, धीरे धीरे जब भी हम ऑनलाइन मिले आपकी शक्ल दिखाओ। प्राची, विंकल, प्रथमेश तू तो एकदम हीरो दिखता है, इधर है तू।
नाम दीप गोरी है लेकिन लेकिन है तो हीरो तू। पता मैं समझा पक्का? रिटर्न दिस ईजीएम मतलब ईजीएम यानी सर ईजीएम मतलब हाँ, एक्स्ट्रा। देखो मैंने बोला था कि अगले कॉमन कॉन्सेप्ट में हम एजीएम ईजीएम सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग, नंबर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को ईजीएम कहते हैं, बट वो क्या होता है हम 5 मिनट में सीखेंगे थर्ड पॉइंट में। एजीएम ईजीएम का डिफरेंस समझ में आ रहा है? 5 मिनट रुक जाओ, खाली ये लिख लो, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एजीएम ईजीएम क्या होता है। हो जाए तो डन से मतलब मैं पानी लेके आता हूँ, 1 सेकंड। Can we start for that? Everyone, लिख लिया सब में? देखो, if you want, मैं ये भी लिखा सकता हूँ आप लोगों को शेयर में। देखो आपने जो पहले लिखे ना चार सिद्धि, वही चार ऑर्डिनरी बिजनेस सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, डू यू अग्री?
आप चाहो तो ये भी लिख लो नीचे, अपने को कोई दुनिया में चाहिए, अभी पर चालू किया है तो बहुत टाइम कंफ्यूजन। लिख लो तो लिख लिया, रमेश लिखा, सिद्धि लिखा ना, कशिश लिखा, कशिश लिखा। तो आगे जाते हैं लर्निंग अबाउट, जो मैंने पूछ कहा था रमेश को, एजीएम एंड एजीएम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एजीएम क्या होता है और ईजीएम क्या होता है, राइट? देखो, दिस विल बी अ स्टेटमेंट फॉर्म, सुनो ध्यान से पहले। Any meeting which is termed as AGM by the company and conducted once in a year on mandatory basis is called AGM। लिखो, मैं समझाता हूं, लिख लो, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, एवरीवन एवरीवन भूषण, टू अंडरस्टैंड एजीएम इन अ वेरी बेटर मैनर, सुनो व्हाट इज एजीएम, सुनो, एनी मीटिंग कंडक्टेड बिटवीन टू एजीएम्स is called extraordinary general meeting. Any meeting conducted between two AGMs is called extraordinary general meeting. अभी सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये है सबको, सर कितनी AGM हो सकती है एक साल में? क्वेश्चन क्या है सबको,
आप कितनी बार एजीएम कर सकते हो एक साल में? क्वेश्चन टू एवरीवन, आप कितनी बार एजीएम कर सकते हो एक साल में? एवरीवन प्लीज टेल मी, ऑडियो या मैसेज से, हाउ मेनी एजीएम्स कैन यू कीप इन अ ईयर? द आंसर इज वन, द आंसर इज वन. नाउ आप कुछ भी कर लो, भूषण एजीएम तो देखी होगी. साल में कितनी बार? साल में कितनी बार? एक बार. लेकिन अगर आपकी कंपनी को, आपके मेंबर्स को बुलाना है कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कस करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट मैटर को अप्रूव करने के लिए, और आप किसका वेट नहीं कर सकते? एजीएम का वेट नहीं कर सकते, तो आपको क्या बुलाना पड़ेगा? EGM. क्या बुलाना पड़ेगा? EGM. मतलब प्रथमेश, एवरी ईयर आप सिर्फ एक बार क्या रख सकते हो? एजीएम. लेकिन वो एक साल के बाद में, लेकिन वो अगर एक साल के बाद आपको बीच में कुछ लफड़ा होता है और मीटिंग बुलानी है, तो उसे एजीएम तो बोल नहीं सकते, तो उसे क्या बोलना पड़ेगा सिद्धि? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलना. इसका मतलब क्या हो गया? दो एजीएम के बीच में सभी भी आप बुलाओगे, उसे हम क्या बोलेंगे? एजीएम. एजीएम कितनी बार होगी? एक बार. एजीएम कितनी बार होगी? एजीएम एक बार होगी. नॉर्मली सुन मेरे बात, मैं आपको समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल से. नॉर्मली क्या होता है? देख, नॉर्मली आपका ये खत्म कब होता है? सब लोग बोलो कब खत्म होता है? ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब फिनिश होता है? 31 मार्च को. कितने मंथ्स के अंदर? कितने मंथ्स के अंदर? 6 मंथ्स के अंदर क्या रखना पड़ेगा आपको? रखना पड़ेगा आपको एनुअल जनरल मीटिंग. मतलब नॉर्मली मैं आपको सेक्शन नहीं पढ़ाना बैठा हूँ अभी, ये तो और डिटेल करना है. 31 मार्च के बाद नॉर्मली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 31 मार्च के बाद नॉर्मली एजीएम उसके अगले 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, यानी 30th सितंबर तक फिनिश हो जानी चाहिए. तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा था अभी पता है? कौन सा चल रहा है अभी? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है. ये कब खत्म होगा सिद्धि? मार्च 23 में. और मार्च 23 में खत्म होने के बाद 30th सितंबर 23 के पहले क्या खत्म करना पड़ेगा? हर कंपनी को क्या खत्म करना पड़ेगा? अपना एजीएम फिनिश करना पड़ेगा. उसके पहले अगर उनको बुलाना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कॉल करेंगे? ईजीएम कॉल करके बुलाएंगे. दोनों बुलाने का पावर बोर्ड के पास है, वो ईजीएम भी बुला सकते हैं और वो ईजीएम भी बुला सकते हैं. लेकिन ईजीएम करना ऑप्शनल है, एजीएम करना मैंडेटरी है. ईजीएम करना ऑप्शनल है, एजीएम करना मैंडेटरी है. ईजीएम करना ऑप्शनल है, एजीएम करना मैंडेटरी है. तो आपको सिर्फ इतना लिखना है इसके अंदर कॉमन टर्म्स में, सर इज इट दिस मच? सर इसके ऊपर मैं आपको 2 घंटा पढ़ा सकता हूँ जब मैं इसे सेक्शन को पढ़ाऊंगा. इसके सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 96, इसका नाम है सेक्शन नंबर 100. लेकिन मैं आपको कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टर्म पढ़ा रहा हूँ. क्या पढ़ा रहा हूँ? TERM टर्म, एजीएम का मीनिंग एंड एजीएम का मीनिंग. आई विल बी बैक इन अ सेकंड. Next, anyone having doubt to AGM, please let me know. Have I got a no? Acha, even please me other dal do reaction alne ki, other dal do give reactions.
And you can also raise your hands if you have a doubt, please. Now. The next common term which you should understand is what? Quorum. 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 Have you anyone wants to try this term? Aapne toh ye toh suna hoga. Anyone wants to try this thing, please tell me. Quorum. Quorum. Anyone? Prachi? Winkel? Kashish? Sakshi? Tanvi? Anyone? Resti, what is quorum? What is quorum? Mujhe nahi pata. Krishna Koradia, yes, beta. Ab quorum ka matlab hota hai kya? Aye samajhte hain. Agar maan liye 31st aa raha hai, भूषण कहता है सब दोस्तों को कि चल ना अपन कहीं खाना खाने जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं जिंदगी में, कुछ ट्राई, हर चीज ट्राई करनी चाहिए ना भूषण। भूषण तेरा तेरा लेंस और तेरा तेरा आइकन है, कल अलग जगह पे आ रहे हैं, ऐसा बैठ जैसे मैं तुझे देख पाऊं ऐसे कि तू मुझे देख पा रहे है वैसे, समझा मैं क्या बोला? शाबाश। तो अगर भूषण ने 10 दोस्तों को बोला कि चलो आप 31st के लिए कहीं जाते हैं, नाइट आउट करेंगे, आई अरेंज द नीडफुल, होल्डिंग बोल्डिंग में लेके आऊंगा, भूषण कहता है। अब भूषण 12-15 बच्चों को बोला, दोस्तों को, और फिर किसी ने बोला मैं नहीं आऊंगा, बोलता मैं नहीं आऊंगा, उसने बोला अरे मेरे को मिनिमम 5 लोग तो चाहिए जाने के लिए, मजा नहीं आता। तो जो मिनिमम 5 जो काउंट किए ना भूषण ने, वो क्या बन गया? Quorum, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट पर्सनली, which are required to be present personally to conduct the meeting, which are required, the minimum number of members which are required to be present, which are required to be present personally to conduct the meeting. मतलब ये सिद्धि कि quorum का मतलब होता है minimum number of persons, members which are required to be present personally to conduct the meeting. In public company, members and quorum up to 1,000, up to 5,000, above 5,000. का मतलब ये होता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसके पास टोटल मेंबर्स अप टू 1,000 है, कितने हैं? अप टू 1,000, तो उस कंपनी को भूषण क्वोरम प्रूव करने के लिए कितने लोग लगेंगे मीटिंग के अंदर? मिनिमम 5. अगर कोई कंपनी है जिसके अंदर 5,000 मेंबर्स है, तो उस कंपनी की मीटिंग में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? प्रेजेंट मिनिमम 15. अगर कोई कंपनी है जिसके पास मोर देन 5,000 मेंबर्स है, तो उस कंपनी के मीटिंग के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए? 30. हेलो, 5, 15, 30 मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए मीटिंग के अंदर? पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट, उसी को क्या कहा जाएगा? Quorum, क्वोरम कहा जाएगा, Quorum, quorum कहा जाएगा। अभी क्लियर विद दिस quorum? सबको समझा?
आई अश्योर यू वन थिंग, आप क्लास घर पे आके बैठोगे, आप क्लास में आओगे, आप रिकॉर्डेड देखोगे, अगर आपका दिल और दिमाग एक्टिव है ना, अगर आपका दिल और दिमाग एक्टिव है, आपको फेस टू फेस में भी आपको एक्टिव रहना है, आप ऑनलाइन में भी आपको एक्टिव रहना है। और मेरा इंटेंशन क्या है, सीधी दो चीजें होती है, एक टीचर अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा आपको एक्टिव रखने में, दूसरा टीचर अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा कंटेंट को डेवलप करने में। अगर एक स्टूडेंट इज फोकस्ड तो टीचर को टाइम पास नहीं करना पड़ता आपको एक्टिव करवाने में, आप फोकस करोगे आपकी कंटेंट और सिंपलीफाई होते जाएगी, एंड वंस यू आर इनटू द कंटेंट ऑफ पोर्शन यू विल नॉट रिक्वायर आई शुड क्रैक सम जोक्स इन बिटवीन टू कीप यू एंटरटेन, आपका पढ़ाई नेचुरली नेचुरली होते जाएगा नेचुरली। हो रही है कि समझ में आ रहा है भूषण, भूख लगी है? आगे जाते हैं पर नेक्स्ट वर्ड हमें समझ में आ रहा है क्या, proxy प्रॉक्सी, proxy प्रॉक्सी, proxy प्रॉक्सी। अरे सर ये तो हमको आता है, एक चीज हम पढ़ के आए कॉलेज में, जब हम किसी की प्रॉक्सी मारते हैं वही प्रॉक्सी की बात हो रही है, बोलो आया ना, या उस प्रॉक्सी की बात हो रही जो आप मारते हो कॉलेज में किसी और की या अपने आप की, कोई और मारता है वो, यस और नो? एवरीवन कीप योर वीडियो ऑन प्लीज, साइड कीप योर वीडियो ऑन, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ इनिशियल लेवल पे, धीरे धीरे फोर्स कर सकता हूँ, प्लीज 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 ध्यान दो, प्रॉक्सी का मतलब वही है भूषण, यस पाची यू आर करेक्ट, टू रिप्रेजेंट समवन, पाची सेज टू रिप्रेजेंट एवरीवन, देन व्हेन यू मैसेज ना, मैसेज टू एवरीवन, सो एवरीवन शुड नो हु इज आंसरिंग, पाची अब सुनो, कंपनी कहता है कि व्हाट इफ अ मेंबर कैन नॉट कम हिमसेल्फ ड्यू टू सम ऑब्लिगेशन, सम कमिटमेंट्स, सम ऑफिस वर्क एक्सेट्रा, अगर मेंबर मीटिंग में नहीं आ सकता तो क्या मेंबर अपने बदले किसी और को भेज सकता है क्या जो मेंबर नहीं है? आंसर इज यस। तो व्हाट इज प्रॉक्सी, प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु इज अटेंडिंग द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर, proxy is a person who is attending the meeting on behalf of a member, and such person may be a member or a non-member, and such person may be a member or a non-member, wo person member ho bhi sakta hai aur wo member nahi bhi ho sakta, but proxy ke liye member hona zaruri nahi hai, who is appointing a proxy, a member is appointing a proxy, a member is appointing a proxy, are you clear with this? Dekho yahan pe proxy refers to a person attending the meeting on behalf of a member, proxy may be a member or proxy may not be a member. बच्चों ये लिख लिया सबने, एवरीवन अभी क्लियर विद दिस? आगे जाओ, आगे सुनो, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इज व्हाट द नेक्स्ट वर्ड, एनीवन हियर, एनीवन हियर,
who are interested to crack this term down. What is the meaning of the word charge? Anyone? C-H-A-R-G. Jordar term, Jordar. You love this concept to be learned. C-H-A-R-G-E, charge. Bolo. Maybe. No, no charge, no party. This is not the answer. Others. What is the meaning of the word charge? Amina, can you try? Meaning of the word charge. So I have no idea. No idea. Anyone else? I'll keep your videos on, everyone. Suno. Suno Kashish, Bhushan, Arpita. Taxi. Charge means creating security. Charge means creating security over the asset. Asha Hindi mein bolu, to girvi rakhna. Suno. Apne security ke taur pe, jo bhi cheez girvi rakhi. से कानून क्या बोलता है? You have created a charge. You have created a charge. सर जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सुनो ध्यान से. चल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड. देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनका फैक्ट्री है. क्या है फैक्ट्री? रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक से 1000 करोड़ का लोन लिया. कितने करोड़ का लोन लिया? 1000 करोड़ का. आईसीआईसीआई बैंक पागल है, ऐसे लोन दे देगा? आईसीआईसीआई ने बोला मुझे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए. तो बोला ये फैक्ट्री है ना, इसके लिए 2000 करोड़ है मार्केट. ये फैक्ट्री आपकी हो जाएगी अगर मैं लोन चुकाया नहीं तो. हम इसे क्या बोलते हैं पता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज क्रिएटेड अ चार्ज on its asset. क्या बोलेंगे? Reliance Industries has created a charge on its asset. अपने asset के ऊपर charge create करना, यानी अपनी asset को गिरवी रखना. अपने asset के ऊपर charge create करना, यानी अपने asset को गिरवी रखना, security create करना, इसे charge कहा जाता है. इसे चार्ज कहा जाता है. मतलब चार्ज मतलब क्या? एनी इंटरेस्ट क्रिएटेड, एनी राइट क्रिएटेड ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. कंपनी के प्रॉपर्टी पे कोई राइट क्रिएट करना, इसे ही हम चार्ज कहते हैं. क्रिएट में लिखा था आप, क्या आपको मतलब समझ में आया चार्ज का मीनिंग? यहाँ पे क्या होता है? चार्ज मतलब गिरवी रखना, सिंपल भाषा. लिखो ऐसा टेक्निकल वर्ड लिखो. चार्ज मीन्स, लिखो चार्ज मीन्स इंटरेस्ट और सिक्योरिटी क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. जब अपने एसेट को हमने सिक्योर किया फॉर सम लोन्स, उसे ही हम चार्ज कहते हैं. स्वयं समझ में आ रहा है? यस सर. प्रथम अभी, now comes the thing why I did charge. सुनो ध्यान से. Understanding
understanding the word hypothecation, understanding the word mortgage, and understanding the word pledge. तो जब भी हम कुछ गिरवी रखते हैं ना बातचीत, जब भी हम कुछ गिरवी रखते हैं ना, तो गिरवी रखने के तीन तरीके होते हैं. गिरवी रखने के तीन तरीके होते हैं. एक को हाइपोथिकेशन कहा जाता है, एक को मॉर्गेज कहा जाता है, एक को प्लेज कहा जाता है. तो आपको मुझे बताना है आपके हिसाब से, व्हाट डू यू रेफर टू द वर्ड हाइपोथिकेशन, व्हाट डू यू रेफर टू अ वर्ड कॉल्ड मॉर्गेज, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड प्लेज. एनीवन? Tell me, hypothecation, mortgage, and pledge में क्या फर्क होगा? Guys, I am waiting for your answer. Guys, come on. Participation. I have not got any answer. Sir, charges created for moving properties. Sorry, come again. Charges created over? Movable property. उसे क्या कहेंगे? Hypothecation. Movable या बोला है? Immovable बोला. क्या बोला सिद्धि आपने? Movable, sir. Very good. ठीक है, not bad. ठीक है, मॉर्गेज में भूषण ने सही बोला. ठीक है, वेरी गुड. इमूवेबल के लिए भूषण कहता है, उसको मॉर्गेज कहते हैं. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से. मैंने आपके सामने तीन एग्जांपल रखे हैं, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन एंड कार लोन. ठीक है, नेचर ऑफ एसेट, गोल्ड लोन मूवेबल, हाउसिंग लोन कार लोन मूवेबल. पोजेशन, गोल्ड लोन में जब आप गोल्ड लोन लोगे तो आपका गोल्ड किसके पास होगा? गोल्ड लोन में जब आप गोल्ड लोन लोगे, गाइस कैन यू हियर मी? Everyone, please tell me. Hello. Please react. Am I audible? In gold loan, who will have possession? So in gold loan, bank will have possession of gold. In housing loan, who enjoys possession? Borrower. In car loan, who enjoys possession? Hello. Sir, gold loan के अंदर gold हम bank को दे देते हैं against हमारे loan के against. इसलिए इसे कहा जाता है pledge. Pledge में borrower गोल्ड देता है और लेंडर मतलब बैंकर वो गोल्ड अपने पास रखता है, इसे प्लेज कहते हैं.
इसे हाइपोथिकेशन कहा जाएगा, क्योंकि भले ही आपने कार लोन लिया है, पर कार लोन लेने के बावजूद कार किसके पास रहेगी? कार को सिक्योर तो किया आपने, बट कार किसके पास रहेगी? बोरोवर के पास ही रहेगी। मतलब जिसने लोन लिया उसी के पास कार भी है, लेकिन प्लेज में जिसने लोन लिया उसके पास गोल्ड नहीं है, गोल्ड जिसने लोन दिया उसके पास है। और वो यहाँ पे इसे कहा जाएगा मॉर्गेज। इसका मतलब ये हुआ, ये चार्ज या तो मूवेबल पे हो सकता है या तो इमूवेबल से हो सकता है। अगर इमूवेबल पे है तो उसे हम मॉर्गेज कहेंगे, मूवेबल पे है तो या तो पजेशन विथ लेंडर और पजेशन विथ बोरोवर। लेंडर के पास है तो उसे हम प्लेज कहेंगे, बोरोवर के पास है तो उसे हम हाइपोथिकेशन कहेंगे। गाइस कीप योर वीडियो ऑन, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, प्लीज एवरीवन। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे आप इसको लिख लो, आपको जो डाउट हो मुझे पूछ लो। अच्छो सिद्धि वेर आर यू, वशिष भूषण वेर आर यू? आपको ये समझ में आ गया एवरीवन? गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल किसको प्लेज कहेंगे, किसे मॉर्गेज, किसको हाइपोथिकेशन कहेंगे? हो गया, दिख रहे हो? आगे जा सकता हूँ? प्लीज कंफर्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों, हमें समझना, वोटिंग 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 वोटिंग। वोटिंग के अंदर पहला ऑप्शन होता है बाय डैश, वोटिंग के अंदर पहला मीनिंग है शो ऑफ हैंड्स। जब कोई मीटिंग शुरू होती है तो चेयरमैन मीटिंग का जो होता है वो सबको कहता है क्या हमें ये मंजूर है, रेज योर हैंड। सब रेज हैंड करते हैं। अब जिन्हें मंजूर नहीं है रेज योर हैंड, सब लोग रेज हैंड करते हैं। अब ध्यान से सुनना, भूषण लोके
रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर लेके बैठा, कैसे लेके बैठा भूषण तू? वन शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, वन शेयर। देखा सर सिद्धि 1000 रुपए का एक शेयर। भूषण को नोटिस आया कि हमारी एजीएम है, मुकेश भाई आएंगे, मुकेश भाई अंबानी आएंगे, आप भी आना क्योंकि आप भी शेयर होल्डर हो। भूषण बहुत जल्दी सुबह पहुंच गया, मीटिंग 8 बजे का था, वो 7:30 बजे पहुंच गया, वो आगे की सीट पे बैठ गया। आधे घंटे के बाद वहां पे कौन आया? मुकेश अंबानी बैठ गए उसके बाजू में, भूषण लोके। अब क्या होता है, मुकेश अंबानी के पास 10 लाख शेयर, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने शेयर उसके पास है, 10 लाख शेयर है, कितने शेयर है समझो, 10 लाख, 10 लाख इंटू 2500 रुपए का एक शेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर व्हाट ही हैव, दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर हु हैज भूषण। क्या फर्क है, खाली जीरो के रफ फर्क है, बाकी दोनों सेम है। अब कंपनी ने डिस्कस करा कि हम चाहते हैं 5G लाना इंडिया में, हम चाहते हैं लाना है 5G इंडिया में, जिनको ये फेवर में लगे वो हाथ ऊपर कीजिए। यहाँ पे मुकेश अंबानी ने हाथ ऊपर किया, यहाँ पे भूषण ने भी हाथ ऊपर किया। अब भूषण ने भी एक हाथ ऊपर किया, मुकेश भाई ने भी एक हाथ ऊपर किया, तो मुकेश अंबानी को भी एक गिना गया और भूषण को भी एक वोट काउंट किया गया। भूषण बोला ये तो मजे है, मुकेश भाई के पास करोड़ों की मिल्कत है शेयर रिलायंस की, फिर भी उनको वोट कितना गिना गया? सिर्फ एक। मेरे पास सिर्फ एक शेयर था, फिर भी मुझे कितना काउंट किया गया? सिर्फ एक। तो भूषण का भी वोट एक और मुकेश भाई अंबानी का भी वोट एक। इसे कहते हैं डैश वोटिंग बाय वोटिंग बाय सो फैंस। सुनो ध्यान से, इन दिस केस ऑल मेंबर्स ओनली गेट वन वोट irrespective of its equity shares. आपके पास कितने शेयर्स है वो फर्क नहीं पड़ता, वन मेंबर विल ओनली गेट वन वोट। इसे क्या कहते हैं, वोटिंग बाय डैश वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सुनो, वोटिंग by poll, second method, तो आप समझ जाओगे। In this case, voting right of every member will be equal to the extent of shares they own in the company will be equal to the shares they own in the company, the shares they own in the company. इसका मतलब इस एग्जाम्पल में अगर वोटिंग बाय पोल किया गया तो भूषण विल गेट वन वोट एंड मुकेश भाई विल गेट 10 लाख वोट्स, क्योंकि उनके पास 10 लाख शेयर है। तो वोटिंग बाय पोल में क्या होता है, वोटिंग बाय पोल में आपके पास जितने शेयर है उतने वोट मिलेंगे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, आपके पास एक ही वोट मिलेगा भले कितने भी शेयर। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल, प्लीज कंफर्म। Voting by show of hands and voting by poll. Please confirm. Voting by show of hands, voting by poll. Ensure करना कि जब भी आप कुछ पढ़ो, आप सो नहीं सकते उस दिन जब तक आपने उतना revision नहीं कर लिया है. Make that a habit. And every year I tell this to the people.
जो बच्चा डिसिप्लिनरी बिहेव करेगा, जो बच्चा अपनी पढ़ाई रेगुलरली करेगा, अपनी टेस्ट रेगुलरली देगा और अपनी टेस्ट पे इम्प्रोवाइजेशन हैवी हैवी टेस्ट में करेगा, आई गारंटी आई प्रोमिस यू दैट एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट फेल इन एग्जाम। मेरा पास करो, मेरा रोल आपको पढ़ाना ही नहीं है, मेरा रोल है कि आपसे आपका काम निकलवाना, मतलब इंश्योरिंग दैट यू डू योर बेस्ट एंड आई विल जस्ट इंश्योर कि हमारे पास डेटाबेस रहेगा आपके अटेंडेंस का एंड आपके टेस्ट का। अगर आपने कोई टेस्ट मिस की या फिर अगर आपने लेक्चर में अटेंडेंस मिस करी देन यू विल बी रिपोर्टेड, दैट्स व्हाट वी वांट, नॉट टू क्वेश्चन यू बट वी जस्ट वांट टू पुश यू एज मच एज वी कैन। हो गया, एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क मी। थर्ड पार्ट इसे कहते हैं, यहाँ सॉरी थर्ड नहीं बोल सकता, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड विच वर्ड बच्चों, विच वर्ड, कास्टिंग वर्ड, CASTING, कास्टिंग वर्ड। ये भी एक कॉमन टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, CASTING, कास्टिंग वर्ड। हैज एनीवन हर्ड अबाउट दिस वर्ड कास्टिंग वर्ड? आई एम नॉट, मैं श्योर हूँ आपको इसमें से कुछ भी पता नहीं है क्योंकि आपने अभी तक कुछ ये सब चीजें तो लॉन्च हो रही है आपके लिए। सुनो, मान लीजिए हमें वोट करवाए, 500 मेंबर्स ने वोट किया, उसमें से 400 ने यस बोला, 400 ने नो बोला, इसे कहते हैं इक्वालिटी ऑफ वोट्स। आपको चाहिए था मेजोरिटी वोट्स ओआर करने के लिए, 400 पॉजिटिव है, 400 नेगेटिव है, ये तो इक्वलिटी हो गई। अब जब इक्वलिटी होती है ना, जब इक्वलिटी होती है तब उस कंपनी के मीटिंग में जो भी चेयरमैन होगा, उस कंपनी के मीटिंग में जो भी चेयरमैन होगा उसे एक एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, उसे एक एडिशनल वोट मिलेगा, उसे एक एडेड वोट मिलेगा जिसे कहा जाएगा कास्टिंग वोट, जिसे कहा जाएगा कास्टिंग वोट, जो वो यूज कर सकता है जब कंपनी के वोटिंग में इक्वालिटी आई हो। सो इन केस वेयर एज एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इन केस वेयर देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इन दैट केस द चेयरमैन मे गेट अ पावर टू यूज वन मोर एडिशनल वोट टू ब्रेक the equality, to break the equality of votes, and that is called as dash, that is called as casting vote, that is called as casting vote, the additional right what you get, who will get this right? Only chairman of the meeting, and that is called casting vote. मैं लिखा था हूँ आपको ये चीज, देखो पहले, in case of equality of votes, chairman of the meeting may be entitled to an additional or second vote to be used to break the equality of votes. Such vote is called casting vote. तो समझ में आ जाए, सोचो एक बार, रीड करो, ना समझ में आए मुझे पूछो, मुझसे शर्माओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, तो ऑलवेज बी फ्रैंक, एटलीस्ट टू आस्क योर डाउट्स।
एवरीवन, अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे सिद्धि, उस समय में जब उनके जब वो पावर में थे, तब लोकसभा में राज्यसभा में उसके अगेंस्ट में एक मोशन पास हुआ था, प्रपोज हुआ था कि हम हमारी गवर्नमेंट को मोशन कॉन्फिडेंस मोशन अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट एज इज हिम एज अ पीएम टू बी कंटिन्यूड फर्दर। उसमें वोटिंग हुई थी सिद्धि, और वो वोटिंग में इक्वालिटी ऑफ वोट्स क्या आया था, इक्वालिटी ऑफ वोट्स आया था। उस इक्वालिटी में उनको पावर था उनकी उनकी सीट बचाने के लिए कि वो कास्टिंग वोट खुद यूज कर सकते थे, वो कास्टिंग वोट खुद यूज कर सकते थे, और उन्होंने कास्टिंग वोट खुद यूज किया होता ना, तो ही वुड हैव कंटिन्यूड टू बी अ पीएम ऑफ इंडिया, ही वुड हैव कंटिन्यूड टू बी अ पीएम ऑफ इंडिया। अगर उन्होंने कौन सा वोट यूज किया होता, ट्रेडिशनल वोट कास्टिंग वोट। बट यहाँ पे लॉ कहता है कि आपको जबरदस्ती वो वोट यूज करना जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। क्या है ऑप्शनल, मतलब इफ यू वांट टू यूज कास्टिंग वोट तो आप कर सकते हो, यू डोंट वांट टू यूज कास्टिंग वोट तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो कि मुझे वोट कास्ट करना नहीं है उस दिन। यस कास्टिंग वोट, कैन यू एक्सप्लेन मी वन मोर टाइम? श्योर। कास्टिंग वोट इज अ वोट विच अ चेयरपर्सन ऑफ अ कंपनी गेट्स to be used when the meeting has wants to pass the motion, but वो motion pass करने के लिए equality of votes बाहर आया, मतलब अगर members 800 members थे meeting में, 800 में से 400 ने हाँ कहा और 400 ने ना कहा, 400 ने हाँ कहा 400 ने ना कहा, तो अगर ये equality हुआ है तो how will you pass resolution? तो जब कोई इक्वालिटी में रेजोल्यूशन पास हो पा रहा नहीं है तो आप आपके चेयरमैन को कह सकते हो कि सर आप एक और बार वोट कर दीजिए, इससे 401 हो जाए, इससे रेजोल्यूशन या तो एक्सेप्ट हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है उसके लिए एडिशनल वोट पास करना पड़ेगा। वो गेट्स अ राइट टू पास एडिशनल वोट ओनली चेयरपर्सन, इसकी और कोई पावर मिलता नहीं है। Are we clear with casting vote, everyone? Are we clear with the casting vote? Very good. Next part is the last part in terms of concepts. Prospectus. नेक्स्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, वेयर इज द हेडिंग प्रोस्पेक्टस? एवरीवन प्लीज लिसन टू दिस टर्म, सुनो। ये कहता है, have you heard about a company receiving money from public? Company receiving money from public, उसको हम IPO बोलते हैं, initial public offer. Yes. अब लॉ कहना चाह रहा है, सुनो, कंपनी पहले क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस, फिर एप्लीकेंट, यस अमीना, एप्लीकेंट क्या फाइल करता है, एप्लीकेशन फॉर्म टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, राइट, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए टू कंपनी, और फिर कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट इक्विटी शेयर होल्डर माना जाएगा। मतलब पहले क्या होता है, कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस, उसके बाद एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, and then company allotting the shares to the equity holder. क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Everyone please listen to this carefully. Company issuing prospectus को law में invitation to offer कहा जाता है,
एप्लीकेंट मेकिंग एप्लीकेशन टू कंपनी उसे ऑफर या प्रपोजल कहा जाता है एंड कंपनी अलॉटिंग द शेयर्स टू द एप्लीकेंट इसे एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कहा जाता है। बोलो हाँ या ना। इनविटेशन टू ऑफर, फिर प्रपोजल, फिर एक्सेप्टेंस। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा वाला? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉस्पेक्टस? सुनो ध्यान से, ये कहता है एनी डॉक्यूमेंट, एनी एडवर्टीजमेंट, एनी नोटिस और by any circular, the company intends to raise money from public, such document will be such document can be called as prospectus. लिख लो, मैं समझाता हूँ आपको। Just write it down. I'll explain you what it is. आपने ये लिख लिया सब लोगों ने? सिद्धि, एवरीवन लिसन हियर, भूषण, दे आर टेलिंग टू टेल यू के इफ यू आर इशूइंग एनी पीस ऑफ पेपर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इफ यू आर इशूइंग अ कंपनी इज इशूइंग अ पीस ऑफ पेपर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑफर लेटर ऑफ दैट इन्विटेशन टू ऑफर इज व्हाट? टू गेट मनी फ्रॉम पब्लिक, टू गेट मनी फ्रॉम पब्लिक, टू गेट सम फंड फ्रॉम द पब्लिक। तो आपने कुछ भी नाम दिया अमीना, बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, द डॉक्यूमेंट विच इज इंटेंडेड टू गेट मनी फ्रॉम पब्लिक, दैट डॉक्यूमेंट हैज बी कॉल्ड एज दैट प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस यानी क्या? सब कुछ भी नाम आपने उसे सर्कुलर बोला, आपने उसे एडवर्टीजमेंट बोला, आपने उसे डॉक्यूमेंट बोला, आपने उसे नोटिस बोला, या आपने उसे कुछ नहीं बोला, करना है करो, पर आपने काम क्या किया? उस पेपर को बांट के पब्लिक से पैसा लिया। जो भी पेपर इशू किया गया हो उसे कानून क्या मानेगा? उसे कानून प्रॉस्पेक्टस मानेगा। मतलब सर, जो भी डॉक्यूमेंट के थ्रू पैसे मार्केट से लिए जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस कहा जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू फंड्स लिए जाएंगे मार्केट से, वो डॉक्यूमेंट क्या कहा जाएगा? प्रॉस्पेक्टस कहा जाएगा। आपने पब्लिक से पैसा लिया तो हम उस डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस मानेंगे, पब्लिक से पैसा नहीं लिया हम उसे प्रॉस्पेक्टस नहीं मानेंगे। मतलब सीधी हमें सब सब समझना था, व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? आपको समझना है जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप पब्लिक से फंड्स लेते हो उसे ही प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है अंडर कंपनीज एक्ट। ऐसे ही समझ में आया एवरीवन? ठीक है, दिस इज टुडेज एजेंडा विच आई हैड इन योर फर्स्ट सेशन। आई नेवर वांटेड टू कीप माय फर्स्ट सेशन एज अ लार्जर वन, but we intended for which purpose Siddhi? We intended with a purpose ki mujhe aaj ke session mein common terms jo associated hai to learn Companies Act wo mujhe finish karne hain, to humne aaj wo common terms seekhe. Kal hum log, tomorrow we will start first chapter of Companies Act, we will start first chapter of Companies Act, that will be regarding dividend, regarding what? Dividend decision, and that will be the first chapter
which we are going to focus over the same. कल का टाइमिंग भी 5 पीएम है हमारा, बट कल का सेशन जो हमारा है दैट विल रन टिल 7:30, 7 to 7. हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, अगले 3 सेशंस 2.5 आवर्स के आजू बाजू खत्म होंगे, और आप धीरे धीरे फाउंडेशन से निकले हो और धीरे धीरे आपको लेवल तक लेके जाना है, जब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. और प्यार पता है क्या है? वो आपकी पढ़ाई आपका प्यार है. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो आप समझ लो टिल 30, 31st and 1st वी हैव अ हॉलीडे, तो बाय 30th वी विल बी टारगेटिंग टू फिनिश व्हाट? डिविडेंड चैप्टर. हमारा एक टॉपिक फिनिश होगा, और आप समझो कि अगले संडे को, मतलब आप दिस संडे के पहले टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसके नेक्स्ट संडे को यू विल हैव योर फर्स्ट टेस्ट, यू विल हैव योर फर्स्ट टेस्ट, एंड दैट विल बी व्हाट? डिविडेंड डिसीजन और कमीशन. तो आप जो पढ़ोगे, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी टेस्ट असाइंड होती जाएगी. आप समझ लो कि एवरी संडेज टेस्ट विल यू बी गेटिंग असेस्ड बाय द अपकमिंग संडे, एंड आई विल बी पोस्टिंग दैट मार्क्स ऑन द इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ग्रुप. मेरे को पोस्ट करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आप लोगों को अवेयरनेस है कि हर बच्चा टेस्ट दे रहा है और क्या स्कोर कर रहा है. Are you clear? Anyone having a doubt, please tell me. Please give me a reaction if you have understood, then we'll conclude the session. ये उल्टा करते हैं ना, मुझे डर लगता है. आज मीट नहीं है. And anyone wants recording anything, you can get it all day long. Every lecture will be recorded. Okay. I'll see you tomorrow 5 p.m. And one more important thing, I'll just upload this recording. आपके कोई भी friend हो, जिसको थोड़ा confusion हो, जो कहीं और जाने को सोच रहा हो या गया हो, please share this video with them. They will get a chance to understand how we are different from others in terms of different. में सिर्फ simple है guys, simple है कि हमारा session छोटा होगा in terms of size. आपका focus ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ अटेंशन, एंड यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू नीड ऑफ अ बिग क्लास इन अ स्मॉल बैच साइज. यू बाबा टाटा, टेक केयर.